हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर ले, वरना 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो उसे कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसे कैसे करना है, आइए वीडियो के आगे जानते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल पर जाएँ और वहाँ टाइप करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टाइप करने के बाद आपको देखिए सामने में होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लिखा आ रहा होगा, यह इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कहां पर ऑप्शन आ रहा है लिंक करने का, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है लिंक योर पैन विद आधार। अगर एक बोल रहा है कि आपका लिंक आधार अनलिंक पैन विल बिकम इन ऑपरेटिव 1/4/2023 से, यानी 1/4/2023 से आपका अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा और आपको कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए लिंक आधार का एक ऑप्शन आ रहा है क्विक लिंक के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में पहले ये बताया गया है कि आपको अपना पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पैन और आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पैन नंबर टाइप कर लें, टाइप करने के बाद आपको आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। आपको टाइप करने के बाद देखिए नीचे अपने टाइप करने के बाद आपको वैलिडेट के नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आपका पैन से आधार लिंक है तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू दी अदर गिवन आधार नंबर। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह का मैसेज आता है तो आपका पैन से आधार लिंक है। अगर आपका पैन से आधार लिंक नहीं है तो उसका आगे क्या करना है उसका मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है आपको। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपको देखिए यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका पहले इसका फ़ी 500 रुपये था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया, इसलिए आपको बोला गया है कि 31 मार्च 2023 से पहले आपको अपना पैन से आधार लिंक कर लेना है, अन्यथा आपका पैन एकदम इनवैलिड हो जाएगा और कोई काम का नहीं आएगा और बैंकों में आपको पैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अगर पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पैन आधार अपना नंबर डाल लिए, जैसे आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा 1000 का। ठीक है, तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो 1000 का पेमेंट आप कर लें, अन्यथा आप साइबर पे जाएं और वहाँ अपना आधार लिंक करवा लें। थैंक यू।